कोलायत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भंवर सिंह भाटी ने बुधवार को भी अपना जनसंपर्क अभियान जारी रखा। उन्होंने विपक्ष पर तीखे प्रहार किए और जनता से अपील करते हुए कहा कि कोलायत विधानसभा के जागरूक मतदाता भाजपा के झूठे आरोपों का करारा जवाब 25 नवंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निशान पर बटन दबा कर देंगे। कोलायत में गत 10 वर्षों में हुए विकास के बदले प्रत्येक मतदाता हाथ के निशान पर मुहर लगाना। कांग्रेस प्रत्याशी भाटी ने कहा कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम के आशीर्वाद से उन्हें 2 बार विधायक बनने का अवसर मिला। इन 10 सालों में कोलायत का माहौल शांतिपूर्ण रहा और कोलायत विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य करवाने के हर संभव प्रयास किए गए। कोलायत में सद्भाव व शांतिपूर्ण माहौल रहे, इसके लिए कांग्रेस को विजय दिलाना जरूरी है। कोलायत विधानसभा क्षेत्र में 25 तारीख को जो मतदान होगा उसमें मैं सभी क्षेत्रवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि कोलायत में हमने पिछले 5 सालों में विकास के कार्यों का एक रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 35 सालों में जितने विकास के काम नहीं हुए उतने काम पिछले 5 सालों में हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमने मन से क्षेत्र का विकास किया है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। 25 तारीख को मतदान है और इस दिन सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे यानी भंवर सिंह भाटी को जीता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजें ताकि आने वाले समय में मैं फिर से क्षेत्र की सेवा कर सकूँ और इलाके के विकास के लिए काम कर सकूँ। मैं यही विश्वास सब लोगों को दिलाता हूँ।